मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में पीने के पानी की जो प्रॉब्लम है चाहे बिजली की प्रॉब्लम है, ये दोनों प्रॉब्लम हमारे जिले में नहीं रहेगी। देखो तो परिवर्तन यात्रा पूरे राजस्थान में बिल्कुल फेल हो रही है। जनता जो है पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है, कहीं भी इनकी परिवर्तन यात्रा में जनता कहीं नहीं आ रही है। अब जनता चाह रही है जो आदमी हमारे लिए काम करेगा, अच्छी चीजें लेके आएगा, हम उनके साथ। आज विशेष जो हमारे अधिकारी चाहे पानी वाले, बिजली और PWD और CMHO, तमाम जो जिले में बजट घोषणाएं और अभी आने वाली जो रबी की फसल है, जैसे किसानों के लिए जो कनेक्शन है उसमें किस प्रकार से जो बिजली की समस्या हो या पीने की पानी की समस्या हो, तो सभी अधिकारियों से अलग से चर्चा की है और हम चाहते हैं कि जिले में सभी व्यवस्थाएं हमारी पानी बिजली सड़क की, ये सभी व्यवस्थाएं अच्छी सुदृढ़ हो, अच्छी हो और किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो। तो जो जो जिले में नई चीज़ों की ज़रूरत है उसके लिए जिला कलेक्टर और इनको डायरेक्शन हमने जारी किए हैं। और अभी जैसे बारिश भी कम हुई है तो पीने के पानी की स्थिति किस प्रकार से ठीक की जाए, क्योंकि बिजली और पानी दोनों विभाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक विभाग में किसी में कोई दिक्कत आ जाती है तो पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। तो सभी अधिकारियों को हमने कहा है कि आपस में समन्वय बना करके और जिले में पीने की पानी की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और बिजली के लिए भी विशेष तौर से, जो अभी पावर कट हुआ पूरे राजस्थान के अंदर, सिस्टम थोड़ा वीक हुआ उसकी वजह से लोगों को दिक्कतें आई है, हमारे जिले में फिर भी ठीक रहा। और अभी सभी अधिकारियों को हमने निर्देश दिए हैं कि जहाँ पर अभी 33 KV GSS हैं या 132 KV के GSS हैं या 220 KV के हैं या PP मोड से जो भी नया काम लेना है उसके लिए प्रसारण और विद्युत विभाग दोनों ने मिलकर के ये कहा है कि जिले में किसी प्रकार की आने वाली रबी फसल के लिए भी किसानों को कोई दिक्कत नहीं आएगी और जो मटेरियल भी है तो मटेरियल में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अभी मटेरियल भी उनको समय पे मिल रहा है तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में पीने के पानी की जो प्रॉब्लम है चाहे बिजली की प्रॉब्लम है, ये दोनों प्रॉब्लम हमारे जिले में नहीं रहेगी और सभी अधिकारी मुस्तैद हैं और जिला कलेक्टर खुद इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और कोई अधिकारी कमजोर भी हैं तो उसको सख्त निर्देश दिए हैं कि वो जिले हेडक्वार्टर में रह करके वो पूरे अपने डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग करें और सही तरह से सिस्टम को सही करें। देखो परिवर्तन यात्रा पूरे राजस्थान में बिल्कुल फेल हो रही है, जनता जो है पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है, कहीं भी इनकी परिवर्तन यात्रा में जनता कहीं नहीं आ रही है। अभी तक जहाँ से इन्होंने 4 दिशाओं से यात्रा निकाली है उसमें लगभग राजस्थान पूरे का आपने देख लिया, इनकी मीटिंग में मुश्किल से 2,000-3,000 और कम से कम 4,000 से ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं। इसलिए आप लग रहे हैं कि जनता BJP के साथ नहीं है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने राजस्थान में जो काम किए हैं, आज महंगाई को कम करने के लिए इतने शानदार बजट दे दिए, उनकी अच्छी तरह से मॉनिटरिंग कर दी, आज सीधा बेनिफिट जो मिल रहा है सीधा उस लाभार्थी के खाते में, तो आम राजस्थान की जनता चाहती है कि वापस रिपीट हो कांग्रेस की सरकार। इसलिए जनता ने ये तय कर दिया है कि हमेशा जो रहता है कि एक बार कांग्रेस एक बार BJP, अब जनता चाह रही है जो आदमी हमारे लिए काम करेगा, अच्छी चीज़ें लेके आएगा, हम उनके साथ हैं। इसलिए अब तो BJP के लोग खुद करना शुरू हो गए, आपने देखा बीकानेर के सांसद करें, इनके कानून मंत्री खुद करें, क्योंकि इनकी जो अंदर की चर्चा है, जो अंदर खाने में चर्चा थी वो बाहर आ गई और ये खुद समझ रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस ही वापिस आ रही है। तो परिवर्तन वर्तन कुछ भी नहीं है, ये चाहे कितनी भी मीटिंग कर ले, आज इनके 10-10 मुख्यमंत्री बने घूम रहे हैं। आज कैलाश मेघवाल जैसा जो राजस्थान में सबसे हाईएस्ट वोटों से जीता है, सबसे बड़ी जीत इनकी थी, आज ऐसे आदमी को इन्होंने ऐसे मक्खी जैसे चाय से मक्खी निकालते हैं वैसे निकाल के फेंक दिया, बताओ। आज जब ऐसे आदमियों के जैसे पुराने आदमियों को BJP नहीं रखना चाहती है तो ये जनता क्या भला करेगी, इनकी सोच ही नहीं है, ये चाहते भी नहीं है, विकास की तो कभी देखा भी नहीं है। आज 25-25 सांसद जीत के गए हैं, आप बताओ राजस्थान में 25 सांसद जीत जाने के बाद में कोई 10 काम विकास के गिना सकते हैं क्या? तो इनका विकास से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आते हैं चुनाव के टाइम मेडिकी जो आते हैं बरसाती मेडिक आते हैं ना उसी हिसाब से, तो ये कतई इनका कोई नहीं है। राजस्थान की जनता अब जाग चुकी है और राजस्थान जनता चाहती है कि अशोक गहलोत साहब जो है जिस प्रकार से काम किया है तो आने वाले 4th बार भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बने। तो ये तो बिल्कुल दलित विरोधी है और आपने देखा नहीं कि पिछली बार 2018 में जब चुनाव से पहले 2 अप्रैल के दिन जब लोग अपना सही मांगे लेके आ रहे थे, जब स्टेट के अंदर सरकार थी तो किस प्रकार से दलितों के साथ मारपीट हुई, किस प्रकार से उनको पीटा गया,
और जो देश में आवाज उठ रही है कि ये तो संविधान को शासन करना चाहते हैं, इनका आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, ये बिल्कुल सही है, कहीं गलत नहीं है। तो कैलाश मेघवाल जैसा व्यक्ति, पुराना आदमी बोल रहा है तो वो सोच समझ के बोल रहा है, क्योंकि दलित विरोधी है ये, संविधान में कहते नहीं जाते हैं कि गरीब आदमी का शोषण चाहते हैं, इसलिए ये लोग तो, इनका तो एजेंडा तय है, ये तो लोकतंत्र पे विश्वास ही नहीं रखते हैं। इसलिए जो पुराने लोग हैं, जो हमेशा जिन्होंने आरएसएस में संघ में काम किया, बीजेपी में लगातार 55 साल तक उन्होंने जो बार बार सांसद बने, एमएलए बने, उसके बाद में यदि ऐसे लोगों की पहचान नहीं है तो दलित विरोधी है और क्या है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।